ब्रेकअप हुआ या नहीं हुआ इस पर्टिकुलर एक सवाल को इतना घुमा दिया, मेरे बोलने को इतना घुमा दिया, तोड़ मड़ोड़ दिया है। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ कि जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी, हमने ये चीज तब ही क्लियर की थी कि ब्रेकअप एक अच्छे नोट पे हुआ था। दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये डिसाइड किया था कि ठीक है, लेट्स फोकस ऑन आवर करियर फर्स्ट, और अभी बहुत जल्दी हम बहुत अर्ली स्टेज है इस चीज के लिए, पहले काम करते हैं, अच्छे से शो करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये व्हाट्सएप पे चैट है जो ऑलरेडी पुलिस के पास एज एन एविडेंस रखा है। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना क्योस था, इतने सारे रिपोर्टर्स अलग 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 जगह से अलग अलग डायरेक्शन से मुझसे सवाल कर रहे थे, और वो उस कंफ्यूजन में ये चीज हुई कि ब्रेकअप हुआ या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे ये क्लेरिफिकेशन दे रही हूँ, ब्रेकअप हुआ था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, गलत नोट पे ब्रेकअप नहीं हुआ। मार्क माई वर्ड, गलत नोट पे ब्रेकअप नहीं हुआ, अच्छे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ब्रेकअप हुआ है। आज के वीडियो में आपको तुनिशा की मदर के बॉयफ्रेंड के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तुनिशा शर्मा का केस हर गुजरते दिन के साथ काफी गंभीर होता जा रहा है, और इस केस में हर रोज न्यू अपडेट सामने आ रही है जो इस केस को काफी ज्यादा गंभीर बना रही है। आज इस केस का एक और ट्विस्ट सामने आया है। शिजान खान के लॉयर और शिजान खान की फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर उन्होंने तुनिशा की मदर पर कुछ बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं। जी हां, शिजान खान की फैमिली ने जहां पर शिजान के बारे में सारे प्रूफ्स दिए हैं कि शिजान किस तरह से इनोसेंट हैं और वो बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है, वहीं पर उन्होंने तुनिशा की मदर पर काफी सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं, जिनमें तुनिशा शर्मा की मदर और संजीव कौशल के रिलेशनशिप को लेकर सीरियस एलिगेशंस हैं। जी हां, शिजान खान के लॉयर का कहना है कि तुनिशा शर्मा की मदर और संजीव कौशल के बीच कुछ गलत रिलेशन है, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, और वो दोनों तुनिशा को कंट्रोल करते थे और तुनिशा से गलत काम वो करवाते थे और तुनिशा को यूज़ करते थे, उसकी मनी को यूज़ करते थे, जिसके कारण तुनिशा शर्मा ने डिप्रेशन में आकर जान ली है। जी हाँ, संजीव कौशल जो मीडिया पर आकर अब खुद को मामा बताते हैं और वो कहते हैं कि वो तुनिशा के मामा हैं, वो तुनिशा के रियल मामा नहीं है, ये बात तो शिजान के लॉयर पहले ही बता चुके थे कि वो रियल मामा नहीं है, और अब शिजान के लॉयर ने ये बात बताई है कि वो रियल मामा तो क्या, वो कहीं से मामा है ही नहीं, वो बल्कि तुनिशा की मदर के बॉयफ्रेंड हैं और शायद दोनों शादी भी कर चुके हैं, जिसलिए एक स्टेप फादर की बात भी सामने आ रही थी कि वो स्टेप फादर भी हैं और उन्हीं के कारण ये सब कुछ हुआ है। उनके माँ ने और उनके सो कॉल्ड पवन शर्मा, जो अपने आप को उनका मामा कहते हैं, पवन शर्मा तुनिशा के फॉर्मर मैनेजर थे और उनको उनके फॉर्मर मैनेजर के पोस्ट से निकाल दिया गया था 4 साल पहले, क्योंकि वो बहुत ही इंटरफियर करते थे तुनिशा के ऊपर, बहुत ही हार्श रहा करते थे वो। तो पवन शर्मा उनका दूर दूर तक किसी तरह का कोई रिश्तेदार नहीं है। सभी आरोपों को आप देख लीजिए, तुनिशा की माँ कम, पवन शर्मा ने ज़्यादा आरोप लगाए हैं। ये पूरे प्रकरण में ये कहा गया है कि ये लव जिहाद का मसला है, जो पुलिस ने डे वन से खारिज किया है। लव जिहाद का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं कि किस तरह से उन्होंने झूठ बोले हैं और किस तरह से उन्होंने इस केस को मिसलीड किया है, और उन्होंने कहा है कि शिजान खान ने ब्रेकअप किया था, ऑल दो ब्रेकअप हुआ ही नहीं था, और साथ में उन्होंने और भी कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, जिस पर अगर पुलिस अपना काम करे तो निशा की मदर को इस टाइम अरेस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि निशा की मदर पर उनकी बेटी के कत्ल का आरोप लगाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वो गलत काम करती थी और वो अपनी बेटी को कंट्रोल करती थी और इसी कंट्रोलिंग नेचर को लेकर उनकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। आपको क्या लगता है, शिजान खान के लॉयर ने जो निशा शर्मा की मदर और संजीव कौशल पर एक सीरियस एलिगेशन लगाया है, क्या वो ठीक है? हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।